ये कैसा मामला है और इसकी टेक्निकल ये है कि किसानों को तुरंत करनी थी जुताई बारिश होने के बाद में, उसी जो आल होती है उसी में उसको अपना जुताई उसकी करनी थी, बुआई करनी थी, उसके लिए चाहिए था खाद। खाद टाइम पे मिला नहीं उनके गए खेत सूख, तो जितने भी केस हुए हैं उसी से जुड़े हुए हैं, ज्यादातर पांच छह होंगे कल, एक साल आठ कल कल जाए 50-60 रुपया महंगा देता है खुद यहाँ पे दुकानदारों को, एक बार वो भी जानकारी कर लो। दुकानदार फिर उससे बहुत ज्यादा महंगे बेचते हैं और आपस में भिड़ाने का भी काम करता होगा कि एक दुकान को एक ट्रक दे दिया, दूसरे को 11 दे दिया, वो फिर ब्लैक मार्केट चलती है। तो ये कोई नहीं, आप जब ये कह रहे साहब कि रवि भूषण जी ने मजदूरी का लाभ आ जा रहा है, ये है कि उनको तो फसल बीमा योजना का और जो दूसरे वाला है मृतक में आंदोलन के बीच मीडिया की क्या भूमिका देखते हैं? आंदोलन कैमरा और कलम पे बंदूक का पहरा है, मीडिया के खिलाफ तो हम बोलते ही नहीं। हमने कहा कि कैमरा और कलम पे बंदूक के सबक नहीं, हमने नहीं कहा, हमने कहा कि सबक आपको भारत सरकार सिखाएगी। अगला टारगेट सरकार का मीडिया है, ये मैंने कहा जो पूरा वाक्य था ना उसका शॉर्ट कर वो बताया गया। मीडिया को हम क्यों सबक सिखाएंगे, मीडिया तो हमारा हमदर्द है। 26 तारीख को आंदोलन एक साल हो जाएगा, अगले 26 तारीख को आपको अगर सरकारें नहीं मानेगी तो हम अपना रिपेयरिंग वर्क शुरू करेंगे। आगे क्या क्या कदम उठाएंगे, क्योंकि आगे चुनाव भी हैं, क्या कहेंगे आप? इनको वोट की चोट देंगे या जनता देगी? वोट तो इनको देगी नहीं जनता, गुंडागर्दी सरकारी गुंडागर्दी के दम पे ये जीतना चाहेंगे जैसे जिला पंचायत में जीते। तो क्या कदम रहेगा आप लोगों के, आपके किसान? ये तो जनता का कदम रहेगा, जो किसान मजदूरों का हो रहा है इससे बुरी स्थिति देश में नहीं हुई कभी।